तो दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर चोमू कस्बा है और चोमू से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर ये ग्राम बासा कुशलपुरा है। और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ से तकरीबन सामने आपको घर दिख रहा है, मकान 100 मीटर की दूरी पर मकान है, घर है राम गोपाल मीणा जी का। 2 साल पहले तक उनके जीवन में एक हादसा हुआ था, जिस हादसे के चलते उनका पूरा परिवार और वो खुद बहुत चिंतित हो गए थे क्योंकि बिस्तर पर पड़ चुके थे, खेती बाड़ी सब बंद हो गया था। ये सच्ची कहानी दिखाने हम आए हैं आपको आज इस गांव में। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं राम गोपाल मीणा जी के घर पे। आपको बता दें ये ग्राम बासा कुशलपुरा है और यहाँ पर इनका मकान है, आसपास पूरे खेत हैं। राम गोपाल मीणा जी से हम इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि हम आपको ये बता दें कि पिछले 1.5-2 साल से कमर के दर्द से बहुत परेशान थे और हमारा जो मकसद है यहाँ पर मिलके इनसे आना मिलने के लिए वो यही है कि हम आपका हालचाल पूछें। 40-50% फायदा है उससे, चाकू लेने से। कौन सी आपने लिया है? पहले तो मुझे आपका गांव, आपका जो मकान है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा घर है आपका। जयपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है ये और चोमू, जयपुर से एक कस्बा है चोमू 25 किलोमीटर दूर और चोमू से ये 10-12 किलोमीटर दूर है बांसा कुशलपुरा। यहीं आप कितने बरस से रहते हैं इस मकान में? 24-25 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हुई थी, क्या समस्या हुई थी ये बताइए। घूमने के लिए गए थे नेपाल गंगा सागर, उधर तो गाड़ी के अंदर जम पे 7 रात को गिरी गाड़ी। अच्छा। तो हम उठ के पड़े ना तो उसमें लग गई थी चोट, यानी झटका आया था बस में। नेपाल गए थे आप? नेपाल गए थे। ये कब की बात है? ये 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले। तो वो झटका आने के बाद से ही आपको दर्द शुरू हुआ? बैठने में सोने में तकलीफ होती थी। कहाँ दर्द होता था दिखाइए? ये कमरे में दर्द होता था पूरा। मतलब कहाँ कहाँ, किस किस जगह? चारों तरफ कमरे में दर्द होता था। किधर किधर? पूरा वहाँ, पूरा चारों तरफ भी कमर के अंदर यहाँ से यहाँ दर्द होता था बहुत। मतलब पसलियों की तरफ भी होता था? हाँ, पसलियों में भी यहाँ भी होता था। अच्छा, तो उसमें बहुत 50% फायदा है मेरे। नहीं तो फायदा होने से पहले का हम जानना चाहते हैं। आइए कहीं चलें, पहले अंदर चल के बात करते हैं क्योंकि आपके घर में वहाँ देखिए गाय भैंस भी है, बकरियाँ भी हैं, ये पूरा मकान इतना अच्छा है। खेती भी आप करते हैं? खेती भी करते हैं। अच्छा, तो आइए बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भी करता हूँ, सारा ही काम मैं करता हूँ, मैं हूँ यहाँ और बच्चे। आप बैठिए, हम यहाँ बैठेंगे आपके पास। आप देखभाल सारी करते हैं? सारी देखभाल मैं करता हूँ। अच्छा, तो जो आपने हादसा बताया इनके साथ 1.5-2 साल पहले एक हादसा हुआ था, नेपाल गए हुए थे और वहाँ बस में सफ़र कर रहे थे तो झटका लगा इनको। झटका कैसा था? झटका था ऐसे, हम 2 आदमी पीछे बैठे थे पिछली सीट पर, तो एक के तो ऊपर लगने से सिर फूट गया। अच्छा, और मैं 2 बार उठ के नीचे गिर गया सीट से भी नीचे, तो वो मेरी ज़्यादा जबक लग गई। वहाँ कलकत्ता में जाके उसमें एक्सरे करवाया और कई तरह की दवाएं ली, फिर आ गए हम घर। जब से परेशानी थे दवाएं यहाँ भी बहुत लिए लेकिन उनसे इतनी राहत नहीं मिली जितनी ये आपके श्यागोन दिया, जब से 50% फायदा है। अच्छा, तो झटका जब आया तो आपने कलकत्ता जाके इलाज करवाया, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, क्या बताया, क्या तकलीफ? उनने वो जबक ही बताई भाई, इनकी जबक ज़्यादा लग गई और टूट फूट तो कुछ हुआ नहीं और वो गहरी जबक लग गई, यानी चमक आ गई, ये करें जबक आ गई गहरी, इससे दर्द हो गया। तो वो जबक जो आ गई उसके बाद दर्द वो लगातार रहा आपको? लगातार रहा। फिर मैं जब भी काम करता ट्रैक्टर चलाता तो फिर वो ज़्यादा हो जाता, फिर उठने बैठने में परेशानी होती, फिर इस लेने से थोड़ा बचा। खेती बाड़ी आपने करना आपको मुश्किल होने लगा था? मुश्किल होने लग गया था। खेती बाड़ी में आप क्या क्या करते थे पहले, कमर का दर्द जब नहीं हो रहा था उससे पहले क्या क्या आपका काम? मैं ट्रैक्टर की जुताई बुआई सारा काम मैं करता हूँ, खेत में ड्रिप लगाना फुहारा लगाना सारा काम मैं करता हूँ। अच्छा, तो वो आसानी से पहले हो जाता था? हाँ, और अब परेशानी से होता है लेकिन हो करना तो अभी मेरे को ही पड़ता है, तो अब मेरे फायदा है इससे। तो कभी ऐसा हुआ कि जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये खेती का काम आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका काम पे भी फ़र्क पड़ने लगा हो? हाँ, तो फिर दूसरे से भी काम करवाया, फिर ज़्यादा तकलीफ रही ना तो फिर दूसरे को ड्राइवर रख करके उसको भी काम करवाया, खेती का करवाना ही पड़ता। अच्छा,
तो और क्या क्या समस्या आने लगी, लेटने में, झुकने में, बैठने में, सोने में, हर तरह ही आती थी। तो अब थोड़ा फायदा है। तो उस तकलीफ को जब आप याद करते हैं, ये समस्या हो गई, आपको क्या लगने लगा था, क्या विचार आने लगे थे कि अब क्या मैं ठीक हो पाऊंगा या मेरे को अकेले संभालना सब कुछ, तो कैसे होगा आगे? हाँ, ये समस्या तो रहती है। मैं जब बाद में, मेरे 80-85 किलो वजन था तो मेरे अंदर 65-70 किलो वजन हो गया। चिंता तो बहुत होती थी, मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस में आ गए थे। डिप्रेशन बहुत हो गई ना, चिंता तो रहती है कि जो 80 किलो वजन था, 80-85 किलो वजन था, जो 65-70 के पास आ गया, इतना गिर तो डाउन तो हुई ना हेल्थ। तो आपकी हेल्थ भी डाउन हो गई उस कमर के दर्द की वजह से। तो परिवार वाले कितना चिंतित हो गए थे आपके लिए? परिवार वाले भी चिंतित, रोज तेल की मालिश करना, दर्द की दवाई लगाना करते ही परेशान थे ही वो भी। लेकिन जब बाद में आपका स्याह घूर लिया, जब से फिर मालिश वालिश करना आ रही है, बंद कर दिया। अच्छा, जयपुर आने के बाद भी आपने इलाज करवाया अस्पताल में, कहीं डॉक्टर को दिखाया? जयपुर तो गया ने, मैं चौमू में इलाज करवाया, जयपुर भी करवाया जोटवाड़ा में, लेकिन वो दवाई दे दी, चलता रहा, लेकिन उसमें कोई राहत नहीं मिली। यानी दवाइयाँ खा रहे थे लेकिन राहत नहीं मिल पा रही। वो गोली लेते जब तक फायदा रहता है, फिर वही बात। फिर जब हकीम साहब से आप कैसे मिले, या उनका आपने, किसने आपको बताया? पे टीवी इसमें आता है, फोन पे, उसी में से मैंने तो लिया था। वो पहला दिन याद है आपको जब देखा आपने? पहले आयुर्वेदा सन्यासी से भी मैंने 3-4 बार कोर्स लिए, लेकिन वो भी दवाई लेते टाइम तो दर्द रहता नहीं है, फिर बाद में वही बात। फिर मैंने सुलेमान जी के ये देख के ये लिया, तो इससे मेरे को राहत मिली थोड़ी। तो सुलेमान जी का जब आपने वीडियो देखा, तो पहली बार में विश्वास क्यों किया आपने, कैसे विश्वास हुआ इतने लोग बेच रहे हैं? इसमें भी बताते हैं ना, दिखाते हैं भाई, उसके भी फायदा हुआ, तो वो देखता हूँ ना पूरा प्रोग्राम। तो उससे दूसरे लोगों की जब आपने कहानी देखी? हाँ, कहानी देखी तो मेरे भी इच्छा हुई भाई, अपन भी लेके ही देख लेते हैं। तो कभी लगा था कि हम, आप दूसरों की जो कहानी देख रहे थे, हम आपकी भी कहानी जानने के लिए आएंगे? ये तो मेरे को नहीं था कि भाई आप भी आओगे मेरी वो लेने के लिए। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि हम इतनी दूर गांव-गांव में, चाहे देश हो विदेश हो, वहां पर जाते हैं उन लोगों से मिलने जिन्होंने हकीम सुलेमान खान साहब के साथ जुड़ाव किया, जुड़ने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और यही वीडियो इन्होंने देखा, मीणा जी ने, इनको विश्वास नहीं था, लेकिन वीडियो देख कर, क्योंकि और लोग स्वस्थ हुए तो इनको भी लगा कि एक बार मंगवा के देखता हूँ। तो ये आपने गोंसिया मंगवाया, आपकी क्या बात हुई थी डॉक्टरों से? भाई इसको आप लेते रहो, थोड़ा लंबा लेोगे, जब भी 6 महीने तक जब इसका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। आप अच्छा, तो आपने अपनी समस्या क्या बताई थी, क्या पूरी फ़ोन पर क्या बात हुई थी? फ़ोन पे यही बात हुई थी भाई, और भी जो ले लिया 1-1.5 महीनों और निमड़ गया, तो और बता दिया इसको भाई, और भेजो। पिछले 1.5-2 महीने से आप ले रहे हैं गोंसिया? तो गोंसिया जब आया तो आपने उसको पाउडर कैसे बनाया, कैसे आप लेते थे उसको? कूट के मिक्सी में पीस के फिर पाउडर बनाया उसका। अच्छा। और कितना लेते थे रोज? करीबन 1 ग्राम, 1 सुबह 1 शाम को। अच्छा। तो ये अभी है आपके पास गोंसिया, या खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो अभी इंतजार है? अभी तो वो कैप्सूल है जी। कौन से? जो सुलेमान जी के से ही मंगाए थे। तो ये गोंसिया आपके लेने के बाद आपको ये लगा कि इसमें आपको आराम मिलना शुरू हो गया? कब लगने लगा, कितने दिन बाद? वो 15 दिन बाद में भी महसूस होने लग गया भाई, आप फायदा है इसे। तो कैसे महसूस हुआ, मतलब क्या क्या अच्छा होने लगा? दर्द कम होने लग गया यार, मैं काम भी करने लग गया यार, तो ऐसे ज़्यादा परेशान नहीं हुई। यानी दर्द कम होने लगा और आप काम जो नहीं करना चाह रहे थे वो करने लगे? करने लगे। तो आपको ये लगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है? तो अब आपने तकरीबन 1.5-2 महीने लिया। हाँ। कितना प्रतिशत आराम मिलता है आपको? 50% फायदा है मेरे। 50% फायदा है, यानी आपको बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो गए? आसान हो गए। कमी किस तरह की आई है? कमी तो दर्द में ही आई है, और तो स्वस्थ हो गए। यानी दर्द जो लगातार होता था आपको कमर में? शरीर में तो कोई बीमारी तो है नहीं भाई, वो उसमें कोई। ये जो आप बता रहे थे इधर पसली की तरफ भी होता था आगे, ये तो अब वो ऊपर से उठ के गिरा ना, 80 किलो वजन गिरेगा तो लगेगी दोनों। नहीं, अब कम है यहाँ पे? हाँ, अब कम है। तो अब क्या क्या काम आप कर लेते हैं? अब सभी काम करता हूँ मैं, खेती का। तो हमें दिखाएंगे खेती का काम आप, हम चल सकते हैं आपकी खेती? अभी तो खेती का सब काम फिनिश हो गया, अब तो छुट्टी है खेती की।
अब बरसात आएगी जब फिर करेंगे तो क्या क्या बोते हैं आप, क्या क्या बोएंगे? बाजरा बोएंगे, मक्का बोएंगे, सब्जी लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से काम थे आप ही के घर में? मुझे दिख रहा है इतना बड़ा घर है, इतने जानवर आपके पास है, गाय भैंस बकरियाँ, आप क्या क्या काम पहले नहीं कर पा रहे थे, अब क्या क्या कर पा रहे हैं? अच्छा गैराज भी है क्या आपका? है गैराज भी है आपके पास? गैराज नहीं है। तो आप क्या क्या मतलब वजन वगैरह उठा लेते हैं, झुक जाते हैं? वजन वजन तो नहीं उठाता हूँ, क्यों मेरे बच्चे हो गए बड़े बड़े तो वो उठाने भी नहीं देते मेरे को, लेकिन ट्रैक्टर की जमीन की जुताई बुआई वो सारा काम मैं ही करता हूँ। ट्रैक्टर चला लेते हैं? कहाँ है आपका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर वो सामने खड़ा है, दिखाएंगे हमें चला के? हो पहले परेशानी होती थी? हाँ अब कोई परेशानी नहीं। आइए दिखाइए, चलें हम ट्रैक्टर पे बैठेंगे रामगोपाल मीणा जी के साथ, क्योंकि इनका ये कहना है कि 2 महीने पहले तक ट्रैक्टर भी चलाना बंद कर दिया था, खेती बाड़ी कम कर दी थी, नौकर इन्होंने रख लिया था, ड्राइवर रख लिया था ट्रैक्टर के लिए, और कमर में इतना दर्द था कि सारे काम अब दूसरे आदमी से करवाते थे, और उससे पहले तक ये खुद किया करते थे। लेकिन जब से 1.5-2 साल पहले इनके जिंदगी जीवन में एक हादसा हुआ, जब इन्होंने झटका खाया बस में और कमर के दर्द में इन्हें तोड़ के रख दिया, यानी सारे काम इनके बंद हो गए। लेकिन 2 महीने पहले हकीम सुलेमान खान साहब से ये जुड़े, और जुड़ने के बाद गोंसिया का इस्तेमाल किया, पाउडर बना के उसको रोज़ 1 ग्राम लेना शुरू किया। अब ये बता रहे हैं कि 50% इनको आराम है कमर के दर्द में, जो लगातार दर्द होता था अब नहीं होता है वो। नहीं होता है। ट्रैक्टर चला अब तो चला लेते ना आसानी? आराम से चलाता हूं। तो आइए चले हम बैठते हैं आपके साथ ट्रैक्टर पे, थोड़ी सी सवारी करेंगे। तो ट्रैक्टर चला रहे हैं, देखिए मीणा जी, रामगोपाल जी, कमर में जब तकलीफ थी 2 महीने पहले तक, तो क्या बिल्कुल छोड़ दिया था? छोड़ दिया था साहब, आज भी रख रखा था। कितनी देर तक चलाना पड़ता है खेती करने के लिए ट्रैक्टर? खेती के तो सुबह से शाम तक चलाना पड़ता है। सुबह से शाम तक? हाँ। और आप कितनी देर चला पाते थे जब दर्द था? तो दर्द था जब तो 2 घंटे में ही बंद कर देता था। 2 घंटे चला पा रहे थे? अच्छा, और अब जब दवाई खाली कौन सी आ तो उसके बाद कितने घंटे चला पाते हैं? अब तो मैं पूरे दिन चला सकता हूँ। अब पूरे दिन चला सकते हैं? थोड़ा सा एक चक्कर कटवा दीजिए हमें। देखिए ये ट्रैक्टर चला रहे हैं रामगोपाल मीणा जी, और अभी तो इनके घर के अंदर खड़ा है, लेकिन बिल्कुल नहीं चला पाते थे। इनका ये कहना है जब इनकी तकलीफ थी ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं चला पाते थे। अब 2 महीने बाद पहले से जब इन्होंने गोंसिया खाना शुरू किया तो अब ये पूरा दिन चला सकते हैं ट्रैक्टर, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है ट्रैक्टर चलाना। हाँ बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल क्यों होता है, मतलब कितनी मेहनत लगती है इसमें? मेहनत इसमें ताकत आती है, गियर लगाने में, ब्रेक लगाने में, क्लिच दबाने में, जमीन के अंदर घूमता है तो बहुत ताकत आती है। अच्छा इसको बंद कर दीजिए एक मिनट, इसमें कोई वो स्टीयरिंग वो नहीं आती है, कोई वो प्रेशर की स्टीयरिंग आती है, वो आती है। मैं इनसे ये जान रहा था कि इसमें कितनी ताकत लगती है पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में ट्रैक्टर चलाने में? इसमें बहुत ताकत लगती है, ये जमीन पोली होती है उसके अंदर घुमाना ऐसे ही चलाने में बहुत ताकत आती है इसमें। तो अगर ये किसी भी व्यक्ति को शरीर में अगर दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, घुटनों में, वो क्या ट्रैक्टर चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, वो तो तकलीफ तो होती है ना, क्योंकि पूरा शरीर काम करता है। पूरा शरीर काम करता है इसमें। और आपने बताया पूरा दिन बैठ के चलाना पड़ता है खेती में? पूरे दिन बैठ के ही चलाना पड़ता है। तो जब आपने ट्रैक्टर छोड़ दिया चलाना, जब आपको ये समस्या थी, तो आपको क्या महसूस होता था कि मेरे साथ क्या हो गया? तो बहुत तकलीफ तो बहुत होती थी मेरे को, बहुत भाई क्या करें, मैं जो मेरे खेत की जुताई मैं करता हूँ वही मेरे को पसंद आती है, दूसरा करता है वो पसंद भी नहीं आती है। अच्छा, लेकिन मजबूरी थी वो तो करना पड़ता। तो आपको क्या लगने लगा था कि मेरे साथ क्या होगा, आप कैसे काम पूरा खेती बाड़ी रही थी, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। बच्चों ने कहा कि छोड़ दो पापा आप? हाँ, बच्चे तो अभी बोल रहे हैं आप मत बाओ, दूसरे से ड्राइवर रख लो, लेकिन नहीं। लेकिन अब आपके अंदर हिम्मत आ गई है? हिम्मत आ गई है। आइए नीचे चलते हैं और बात करेंगे आपसे। तो ये हमने मीणा जी ने हमें थोड़ा सा ट्रैक्टर चला के दिखाया, ये ट्रैक्टर से हम आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा सा इन्होंने चलाया है, लेकिन बात ये समझ में आती है इससे कि
ट्रैक्टर चलाना आप देख सकते हैं बहुत आसान नहीं है, और खेत खेत की ज़मीन पे, क्योंकि वो ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, उसमें चलाना बहुत मुश्किल है। पूरे शरीर में ताकत लगती है जब आप ट्रैक्टर का स्टीयरिंग घुमाते हैं, हाँ, और गियर वगैरह डालना या ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई वो गाड़ी थोड़ी है जो रोड पे घूम जाएगी जी, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो अब ताकत आ गई आपके अंदर? हाँ, ताकत का तो फर्क पड़ेगा जी। छोड़ दिया था इन्होंने ट्रैक्टर चलाना जब इनके कमर में दर्द होना शुरू हुआ था, लेकिन 2 महीने से अब ये खुद खेती बाड़ी कर रहे हैं बता रहे हैं। और क्या क्या होता है यहाँ पे? आप भैंस का दूध काट लेते? दूध तो गए औरतें निकालते हैं, मैं तो चारा वारा डला देता हूँ, बाट डला देता हूँ। तो चारा वारा डालने में आपको परेशान, हम ले चलेंगे अंदर, चारा डालने में आपको परेशानी होती थी? हाँ, चारा डालने में परेशानी तो होती थी। आइए, राम गोपाल मीणा जी, 60-61 बरस की इनकी आयु है, और क्योंकि खेत जो गांव का आदमी होता है वो वैसे ही मजबूत होता है, उसको कभी हम देखते नहीं कि इस तरह की समस्या होने लगती है, क्योंकि दिन रात वो खेती करता है तो शरीर उसका वैसे ही मजबूत रहता है, देसी खाना खाता है और देसी खाना उसको मिलता है, कोई मिलावट नहीं होती, देसी घी है, दूध है घर का, तो वैसे ही मिलता है हमारे को, यहाँ सब कुछ शुद्ध मिलता है। तो ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ जिसने इनके कमर के दर्द को तोड़ कर रख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कितनी सारी भैंस है, जानवर है, गाय है, बकरियाँ हैं, इनकी देखभाल करना, वो इनकी धर्मपत्नी जी हैं आपके सामने, उनका क्या नाम है? गुलाब देवी। तो गुलाब देवी जी आपकी पत्नी, सारा देख रेख करती हैं खुद ही? करते हैं खुद ही। उनकी आयु क्या होगी? उनकी भी वो 60 के लगभग है, 60 के आसपास है, उनको तो कोई समस्या नहीं है? नहीं, उनके भी है गोड्डों में दर्द है, लेकिन वो ले नहीं रही है दवा। क्यों? वो तो उसकी मानती नहीं है कि तुरंत फायदा आना चाहिए उसको। अच्छा, वही कहती है तुरंत फायदा मिलती है वो। अच्छा, तो आप उनको गोंसिया खिलाइए ना। हाँ, खिलाएंगे, आप उसको भी खिलाएंगे जी। तो देखिए वो भी कैसे काम कर रही है। मीणा जी, आप चारा वाला खिला सकते हैं अभी? झुक पाते थे पहले? पहले नहीं झुक पाता था, लेकिन अब तो मैं सब झुक लेता हूँ, तो काम भी करता हूँ। आप दिखाइए ना थोड़ा सा, हमें क्या झुक के कर सकते हैं आप काम? सब काम करता हूँ मैं, हम देखना चाहते। चलिए आप दिखाइए। ये देखिए राम गोपाल मीणा जी दिखा रहे हैं कि इन्होंने भैंस को खूंटे में बांध दिया, दूसरे खूंटे में बांधा है, और सारा काम अब ये देख रहे खुद कर पाते हैं। तो राम गोपाल मीणा जी देखिए, इनको संभालना, जानवरों को संभालना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, इसके लिए मजबूत शरीर चाहिए। आइए, राम गोपाल मीणा जी ने देखिए किस तरह से हमें दिखाया है, और ये आप, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ जानवर हैं, इनका दूध काढ़ा जाता है, जानवरों को चारा खाना पानी सब यहाँ मिलता है, इनको संभाला जाता है। 15 से 20 जानवर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो राम गोपाल मीणा जी के घर में हैं, उनकी धर्मपत्नी सामने हैं जो सारा काम संभाल लिए। 60 बरस की आयु है तकरीबन दोनों की लगभग, और आज भी देखिए आप कि किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए हम आपको राम गोपाल मीणा जी के पास लेके चलते हैं फिर से। इसका नाम क्या है? रॉकी। आ जाओ रॉकी, आ जाओ। इसको भी आप संभालते हैं? इसको भी संभालता हूँ। तो गाय भैंस बकरियां सब हैं? सब है। तो अब इनके साथ भी खेल पाते हैं आप? सही से वक्त दे पाते हैं? इनसे भी घंटों आधा घंटों कर ही लेते हैं मनोरंजन। अच्छा, इतना मुझे बताइए कि जब दर्द होता था आपको तो लेटने में भी आपको परेशानी होती थी? लेटने में भी होती थी, उठने बैठने में भी होती थी, खाना खाने में भी होती थी, खाना भी भूख कम लगती थी। दर्द अगर शरीर के अंदर रहेगा तो खड़े रहने में भी परेशानी होती थी। तो दर्द, आप लेटते भी थे तब भी दर्द था, बैठते थे तब भी दर्द था, नीचे बैठ के उठना तब भी दर्द है, झुकते थे तब भी दर्द था, और खड़े रहने में भी दर्द था। तो कैसा महसूस होने लगता कि अब होगा क्या मेरे साथ? ये तो बहुत तकलीफ थी, मैं कह रहा हूँ ना, उसकी चिंता से तो मेरे वजन ही 15-20 किलो कम हो गया था। यानी जीवन अंधकार की तरफ जा रहा, अंधकार की तरफ हो गया था भाई अपना, तो अब जीना आराम हो गया।
फिर जब हकीम सुलेमान साहब का ये आपने गोंसिया लिया, आपके दिल से क्या बात निकलती है हकीम जी के लिए? हकीम जी के लिए दुआई निकलती है भाई, भगवान उनका भी भला करे, हमारी जो हमारा भला किया है तो उनका भगवान भला करे। आपके जीवन में हकीम सुलेमान जी क्या मायने रखते हैं? भगवान की बराबर मायने रखते हैं हमारे तो भाई, भगवान वही होता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। आपको लगता है आपको नया जीवन दान दिया? हाँ, नया जीवन दान दिया, तो हम तो भगवान के समान ही मानते हैं। आपको हकीम सुलेमान जी सुन रहे हैं इस वक्त, सुनेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कैमरे पर? तो उनके लिए भगवान से दुआ ही मांगेंगे भाई, इनको ठीक रखना, कईयों का इलाज करेंगे तो भगवान इनका भला करना। तो देखा आपने कि राम गोपाल मीणा जी क्या एक जीवन जो है वो ऐसा हो गया था कि इन्हें लगने लगा था कि आने वाले समय में शायद ये काम ना कर पाएँ, खेती बाड़ी ना कर पाएँ, कर भी नहीं पा रहे थे, और पूरी तरह से इनको ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर आ पा जाएंगे। बिस्तर पर आ भी गए थे, लेटना उठना बैठना सब इनका अजीरन हो चुका था, यानी बहुत समस्या होने लगी थी। लेकिन अचानक 2 महीने पहले हकीम सुलेमान साहब का वीडियो इन्होंने देखा और इन्होंने लोगों की सच्ची कहानियों को सुना, इनको विश्वास हुआ कि हो सकता है कि इनकी समस्या भी ठीक हो जाए। इन्होंने गोंसिया मंगवाया और 2 महीने से गोंसिया खा रहे हैं और अब बता रहे हैं कि 50% आराम है। हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से अभी काम कर रहे हैं, हमने आपको मीणा जी से मिलवा दिया, ट्रैक्टर भी चलाया, सारा काम ही खुद करते हैं, ये भी दिखा दिया आपको, इनसे बात भी की। खुद इनका कहना है कि ये कभी भी ऐसे बैठ नहीं पाते थे इतनी देर बैठ नहीं पाते, अब हमारे साथ बैठ के घूम फिरा, इन्होंने सब कुछ दिखाया। ये सच्ची कहानियाँ दिखाने का मकसद ये होता है, इतनी दूर आने का गांव में या शहर में जाने का लोगों के पास, कि आपके लिए हम सब के लिए प्रेरणा बन सकें और हम इनके जीवन को देखें कि जब इनके जीवन में बदलाव आ सकता है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकता। क्योंकि हर आदमी, जैसा कि इन्होंने बताया, डिप्रेशन में आ गए थे, इन्हें लगने लगा था क्या होगा मेरे जीवन के साथ, पूरा परिवार परेशान होने लगता है, चिंतित होने लगता है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। मायूसी को अपने करीब ना आने दें। अगर आप बीमार हैं जोड़ों में, घुटनों में, शरीर में, डायबिटीज़ या कमर का दर्द, जो भी आपको समस्या है, आप कभी भी मायूस ना हो। मायूस होंगे तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, जिसे इनका वज़न कम होने लगा था, इनकी सेहत में और ख़राबी आने लगी थी, लेकिन ये तो ऊपर वाले की कृपा रही कि आप ठीक हो गए। ऊपर वाले की कृपा रही, सुलेमान जी की कृपा रही जो मैं ठीक हो गया। अब 2 महीने ले रहे हैं और आने वाले वक्त में लेंगे तो क्या लगता है 50% आराम मिला तो और पूरा हो जाए? तो और लेऊंगा, अब 2 क्या 6 महीने तक लेऊंगा इसको। तो यूनानी इलाज पर आपको विश्वास होता है? विश्वास है साहब, यूनानी में पहले भी यूनानी दवाई लेता था, रामगंज में हमारे एक था उससे लेता था, जयपुर के अंदर रामगंज में था एक, तो मैं यूनानी दवाई पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेके मैंने देखी हुई है पहले भी। यूनानी पर भरोसा है इनको। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें बहुत खुशी हुई राम गोपाल मीणा जी आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, आपको स्वस्थ देखकर हमें बहुत खुशी हुई, और हम यही कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आप जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और ऐसे ही अपने सारा खेती बाड़ी का काम, घर का काम संभालते रहें आने वाले समय तक, लंबे समय तक। हाँ साहब, मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि बढ़िया स्वस्थ कर दो, सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। तो राम गोपाल मीणा जी की कहानी, सच्ची कहानी हमने आपको दिखाई, जयपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर चोमू के पास ये गांव, ग्राम पंचायत है बासा कुशलपुरा, यहाँ हम इनका घर है जहाँ पर आए थे, और इनकी कहानी हमने आपको दिखाई। अगले वीडियो में किसी और मरीज से मुलाकात करेंगे, उनके जीवन में किस तरह बदलाव आया, हकीम सुलेमान खान साहब के जुड़ने के बाद ये आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप सब रखिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल, तब तक के लिए नमस्कार।